गिलगित बल्तिस्तान में जो परसों इलेक्शन का इनेकाद हुआ, उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की टीम, उनकी जमात को मुबारकबाद, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब को बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बहुत ही मुसर्रत का ये मौका है कि उनकी जमात ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और साथ ही कल प्राइम मिनिस्टर साहब इस नवीद मुसर्रत के साथ साथ उन्होंने कोविड के हवाले से खदशात, खतरात और परेशानी का भी इजहार किया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब वीडियो लिंक्स के ज़रिए जो मीटिंग कंडक्ट की गई, उसमें जो कोविड का जो सेकंड लेयर जो इम्पेंडिंग है, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में खसूसन वेस्टर्न ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स में वो लहर आ चुकी है, और ये जो लहर है नई जिसको सेकंड वेव कहा जा रहा है, इसमें एक तो ये है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, और साथ ही ये लीथल भी साबित हो रहा है, और इसमें शरामवाद भी बढ़ रही है। एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाजली साहिबा, उन्होंने भी कल एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो कोविड की जो नई लहर है ये ज़्यादा लीथल भी साबित हो सकती है, और साथ ही इसमें अक्सर जो केसेस हैं वो लेबॉरेटरी में टेस्ट के बावजूद भी वो आइडेंटिफाई होना उसका वो महाल होगा, मुश्किल होगा, और अगर किसी को ये कोरोना सेकंड लेयर में हो जाती है तो फिर ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, इस तरह नहीं होगा कि 14 अयाम बाद या 3 वीक्स बाद ये रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी। तो ये अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। आपको याद होगा पिछले महीने जब केसेस बढ़ना शुरू हो गए, केसेस के साथ ही शरहमवाद थोड़ा जब बढ़ना शुरू हुआ, तो मैंने आप जनाब की खिदमत में यही गुजारिश किया था कि मुझे ये लगता है, मैं तो अस्यूम किया, मैं तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं, असम्पशन की बुनियाद पे, हाइपोथेसिस की बुनियाद पे मेरा भी ये ख्याल था कि इसमें शरहमवाद बढ़ सकती है, ज़्यादा लिथल साबित हो सकती है। और कल जो है डॉक्टर शाजली साहिबा ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है, और जो डेटा हमारे साथ आ रहा है कि पहले 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में 5 कोविड के केसेस जो है जो रिपोर्ट हुए थे, कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, हालांकि पिछले पूरे महीने में 5 अमवात वाकई हुए थे, अभी 15 डेज में सेम जो नंबर है, इसका ये मतलब है अगर इसी तनासुब से अमवात का सिलसिला शुरू हुआ तो पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने दुगना होंगे, और खुदा न ख्वास्ता आगे मजीद भी खतरात सामने आ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो यह है कि अवामी इज्तिमात और जलसों पे पाबंदी आयद करने का उन्होंने एक तजवीज़ दिया है, और साथ ही जो मैरिज हॉल्स हैं उसमें आउटडोर जो मैरिज में कोई गेस्ट आएंगे 300 से ज़्यादा उनकी तादाद ना हो, और वो भी SOPs के साथ वो जो जो सेलिब्रेशन है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का एक लिमिट उन्होंने इम्पोज करने का एक प्रपोजल दिया, और NCOC के मीटिंग में इससे कबल भी यही आइडियाज़ जो है, यही रिकमेंडेशन जो है असद उमर साहब ने भी फ्लोट किए थे, और स्कूल जो है उसमें केसेस बढ़ने की सूरत में फौरी तौर पर तातीलात करने का, तालीमी इदारे बंद करने का एक ये रिकमेंडेशन सामने आया है। और इसके अलावा जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स में जो टाइम लिमिट है उसको कम करने का, ये वो रिकमेंडेशंस हैं, और SOPs में अमल दरामद वगैरह। अब ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम इस तमाम सूरतेहाल को देख रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कल की जो मीटिंग है उसमें भी जो उनके जो रिकमेंडेशन सामने आए वो यही है कि जो खसूसन जो इज्तमाहात हैं, अवामी इज्तमाहात हैं किसी भी किस्म का, सियासी या गैर सियासी, उन तमाम पे पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन अपने तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर अमल दरामद फौरी तौर पे इस तरह शुरू किया कि 13 नवंबर को तुर्बत में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद होना था, लेकिन
कोविड के फैलाव के खदशे के पेश नज़र उस जलसे को भी मनसूख कर दिया गया, मुलतवी भी नहीं किया, अनलेस कि कोविड के केसेस मुकम्मल ख़त्म नहीं होते, कोई ऐसा इत्मीनान बख्श सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होता, उस वक्त तक हमने ये फैसला किया कि तुर्बत में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जो उसका जलसा बड़ा बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद होना था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की गई थी लेकिन उसको मनसूख करना पड़ा। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कुछ इज्तमाहात उनके होने थे, उनको उन्होंने मनसूख किया। तो गुजारिश ये है कि डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, पीडीएम का जब जलसा मुनक्किद होने जा रहा था तो मैंने दो गुजारिशात की थी। एक गुजारिश जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हमने ये खदशा जाहिर किया था कि बलूचिस्तान में केसेस बिल्कुल कम हैं, उस वक्त 2.1% की शरह से केसेस बढ़ रहे थे, जो लोएस्ट थे सिंस मार्च, यानी मार्च में तकरीबन 10 मार्च को जो पहला कोविड का केस बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुआ और पूरे मार्च में जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए, जो रिपोर्ट सामने आए, उस वक्त शरह 7% थी। और ये शरह जो है फिर अप्रैल में 13%, जुलाई में 23%, जून में 25%, फिर जुलाई में ये कम हुआ 8%, अगस्त में 10%, सेप्टेम्बर में 10.2% और अक्टूबर में 2.1%, यानी सिंस मार्च लोएस्ट परसेंटेज थी। तो हमें यह खतरा था हमारे केसेस इतने कम हो गए हैं और इस पीडीएम के जलसे में हमें जो एसओपीस थे वो ऑब्जर्व होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हमने गुजारिश की थी या एसओपीस पे अमल दरामद करें या उसको सस्पेंड करें। उस वक्त नेक्टा का थ्रेट अलर्ट भी आया था लेकिन पीडीएम जो कायदीन है उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी और उन्होंने अपना जलसा मुनक्किद किया। और जो जिस चीज़ का हमें खतरा था वो साबित भी हुआ कि जो 2.1% जो कम तरीन शरह थी कोविड के केसेस का बलूचिस्तान में, वो जो इनक्यूबेशन पीरियड है 2 वीक्स का ऑलमोस्ट, उसके गुजरने के बाद इज्तमा के जो मनफी असरात सामने आए वो केसेस के मस्बत जो नतायज हैं उसकी सूरत में वो बरामद हुए। मैं उसका डेटा थोड़ा आपसे शेयर करूं कि 25 अक्टूबर को जब ये जलसा मुनक्किद हुआ तो उस वक्त 2.1% हमारे केसेस थे, 8, 9, 10 इससे ज़्यादा एवरेज हमारी केसेस के नहीं आ रहे थे। वो जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है 7 नवंबर को, तो हमारे जो केसेस हैं वो अगले ही दिन यानी 8 नवंबर से 51 रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर 9 नवंबर को 46 केसेस सामने आते हैं, 10 नवंबर को 43 केसेस 43, 11 नवंबर को 31, 12 नवंबर को 48 और 13 नवंबर को ये केसेस बढ़ के 54 हो जाते हैं। और जब ये इंक्यूबेशन पीरियड से कबल के डेटा आप देख लें नवंबर के अवाइल में, 7 नवंबर को सिर्फ 14 केसेस थे, 6 नवंबर को जो है 8 केसेस थे, 5 नवंबर को 7 केसेस थे और 4 नवंबर को 26, उससे पहले 23 केसेस। तो ये वाज़े अंदाज में जो हमारा एक 2.1% का कोविड का जो एक शरह था वो अब बढ़ते 6.2%, यानी 3 गुना उसमें इजाफा हो चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ, यानी ईद उल फितर पे भी हमारे जो केसेस थे ईद उल फितर से कबल वीकली 700 का एवरेज था हमारे केसेस का, लेकिन ईद उल फितर के बाद जब लोगों ने एसओपीस पे अमल दरामद नहीं किया, ख्याल नहीं रखा और सोशल डिस्टेंसिंग पे जो एसओपीज है उस पर अमल दरामद नहीं किया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, तो ईद उल फितर के बाद भी जो इनक्यूबेशन जो पीरियड है वो भी आपके सामने मैं वो डिटेल रखता हूँ कि 24 मई पे ईद उल फितर जब हुआ, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि 700 का एवरेज था, यानी उस हफ्ते जब ईद हमने सेलिब्रेट करना था 718 केसेस थे, उससे पिछले हफ्ते 792 केसेस थे और उससे पिछले हफ्ते 613 केसेस थे और उससे पिछले हफ्ते जो है 705 केसेस। लेकिन जब इनक्यूबेशन पीरियड शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप देखें ईद उल फितर के बाद कि नेक्स्ट वीक 1654 केसेस रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद 2091 केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी ईद उल फितर के बाद भी 3 गुना इजाफा हुआ था। फिर बलूचिस्तान में कोविड का पीक आया था और अब भी यही हुआ है कि पीडीएम के जलसे के बाद 3 गुना हमारे केसेस में इजाफा हुआ है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके
को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपने तौर पे तो जो जलसे हैं गवर्नमेंट तो मुनक्किद नहीं कर रहा है, इसमें प्रॉपर जो एनसीओसी की एनसीसी की जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें फैसला होगा। और साथ ही जो तालीमी इदारे हैं 23 नवंबर तक जो 23 नवंबर की जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें भी फैसला होगा कि जो हमारी तातीलात हैं वो कैसे होंगे। इस वक्त तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का प्रायोरिटी ये है कि तालीमी इदारे बंद ना हो, और क्योंकि 15 दिसंबर हमारे जो विंटर जोन है इसमें तालीमी इदारे इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं और तालीमी इदारे वैसे 3 माह के लिए बंद हो जाते हैं। तो हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि ये विंटर जोन के जो 15 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद होने हैं वो चलते रहें इसी तरह, और उसके बाद वैसे छुट्टियाँ होनी हैं, और समर जोन के हवाले से फिर हम देखते हैं सोचते हैं कि केसेस में क्या सूरत हाल होती है। तालीमी इदारों का अब तक 16,550 टेस्ट हमने 2 महीने में कंडक्ट किए हैं, जिसमें 854 केसेस जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट में जो 5.1% बनते हैं, और इसमें सिर्फ 580 केसेस जो है क्वेटा के तालीमी इदारों में रिपोर्ट हुए हैं जो कुल केसेस का 68% बनते हैं, और एक्टिव केसेस अब 87 हैं। एक और परेशान कुछ सूरत हाल ये है कि 99% हमारा जो रिकवरी रेट है वो हो गया था, अब वो भी कम होना शुरू हुआ है। तालीमी इदारों में उसकी जो रिकवरी रेट है वो 90% है, यानी 99 से नीचे आके 90 पर, ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और ओवरऑल जो हमारे 400 एक्टिव केसेस हैं उससे भी ये लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट कम हो रही है, और रिकवरी रेट 95-96% तक आ गई 99 से नीचे, ये भी एक तशवीशनाक एक इंडिकेटर है। और साथ ही एक हफ्ते कबल तक बलूचिस्तान के किसी हॉस्पिटल में कोविड का कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में अब 23 नए पेशेंट्स जो है वो एडमिट हो गए हैं, और ये रफ्तार जो है जो एडमिट हॉस्पिटल में है एडमिट फ्लो की ये भी बढ़ रही है। और खुदा न खास्ता यही सूरत हाल रही तो एक पीक वापस जो है कोविड के केसेस में बलूचिस्तान में रूनुमा होगा, और फिर वही सूरत हाल है कि हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं हमारे वेंटिलेटर्स हैं उस पर पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीसी की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीओसी की तरफ से, ये डेटा जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं। और जहां जहां सेकेंड वेव आ चुकी है जिन ममालिक में, उन खतरात को हम देखते हुए, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक कुछ ने लॉकडाउन किया और कुछ जो है कर्फ्यू इम्पोज करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पुर्तगाल है, और अमेरिका में देखें 1,00,000+ केसेस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वैक्सीन कुछ ममालिक में सामने आया है वो टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पहले तो वेस्टर्न ममालिक में वैक्सीन वो पेशेंट्स तक पहुँचेगा, वैक्सीनेट होंगे, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पाकिस्तान इन ममालिक में बाद में ये सूरत आएगी, जब वैक्सीनेट लोग हो जाएंगे फिर हमें किसी खदशे का इजहार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये गुजारिश है कि फिलहाल बलूचिस्तान गवर्नमेंट आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश कर रहे हैं, अपने आवाम से 10 बस्ता हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की तरफ से इस्तदा इल्तिजा मैं कर रहा हूँ आप सब से कि खुदारा ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो जाती है, SOPs पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, कोई भी नाम आप उसको दे दें, कोई भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसका नेगेटिव इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ेगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे पड़ेगा, बलूचिस्तान की मीशत पे पड़ेगा, आवाम को अगेन आइसोलेट होना पड़ेगा। वो जो हमारा एक तल्ख तजर्बा रहा है लॉकडाउन के पीरियड में, राशन फिर लोगों को फरामी चाहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट करे, फेडरल गवर्नमेंट करे, वो एक परेशान कुर सूरत हाल होगी। उससे बचने के लिए अब भी हम ये कह रहे हैं कि खुदारा ये जो सेकंड वेव है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, ये ज्यादा लीथल, ज्यादा जानलेवा, ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। इससे बचने का एक ही तरीका है, SOPs पे अमल दरामद किया जाए। और शादी हॉल्स के हद तक तो ये है कि हमारे जो सर्द इलाके हैं वहां पे आउटडोर तो शादी की तकरीबात हो भी नहीं सकते, इनडोर ही होंगे, और इनडोर जो है कोरोना जो है वो तेजी से फैलेगा, SOPs पे अमल दरामद ही मुश्किल होगा उसमें, तो उसको हम देख रहे हैं। और जो शादी हॉल्स मालिकान हमसे गुजारिश करेंगे, कोई उनके साथ मीटिंग भी करेंगे, अगर वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करता तो फिर जुर्माने भी आयद करेंगे हम, और आगे जाके शादी हॉल्स को जो है कम अज़ कम जब तक कोविड की सेकेंड लहर का खतरा है उनको बंद भी किया जा सकता है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स हैं, अब विंटर जोन में बाहर वो डाइनिंग
सर्व भी नहीं कर सकते, इंडोर ही सर्व करेंगे और इंडोर अगेन एक मुश्किल है एसओपीस पे अमल दरामद। तो हम रेस्टोरेंट्स के जितने लोग हम समझते हैं कि बहुत बड़ी हमारी ये मार्केट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट होटल्स, हम नहीं चाहते कि उनकी मीशत उनका कारोबार मुतासर हो और पब्लिक उससे मुतासर हो, उनके रोज़गार मुतासर हो, डेली वेजेस वर्कर्स मुतासर हो। उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा ये जो हमारी गुजारिश है इसको संजीदा लें, आप एसओपीज पर अमल दरामद करें, केसेस नहीं बढ़ेंगे, टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स जब उसमें केसेस बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा तो हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ऐसा क्या शौक पड़ गया है कि हम कोई लॉकडाउन करेंगे, कोई सख्ती करेंगे। तो अब जो है बाल जो है पब्लिक के कोर्ट में है, ताजिर तंजीमों के कोर्ट में है, रेस्टोरेंट्स मालिकान के कोर्ट में है, मैरिज हॉल्स जो मालिकान हैं उनके कोर्ट में है, और गुजारिश हम आवाम से कर रहे हैं कि वह एसओपीज पे अमल दरामद करें। बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपने तौर पे हमारे जितने दफातर हैं सरकारी, नो मास्क नो एंट्री का जो हमारा फैसला है उसको हमने इम्पोज किया है, वहाँ पर हम ये जो एसओपीज है उसको उस पर अमल दरामद करा रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर जुर्माने भी आयद होंगे, लोग अरेस्ट भी होंगे, शॉप सील भी होंगे, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या कोई ऐसा हमल मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला किया भी जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और अल हमें नज़र नहीं आता। तो अगेन हमने गुजारिश भी किया और साथ ही साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने 8,000 अफराद के लिए जो जो क्वारंटाइन सेंटर 68 क्वारंटाइन सेंटर जो हमने इस्टेब्लिश किए थे वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन के लिए जो सहूलियात हैं वो अवेलेबल हैं, उनको मज़ीद सेकेंड वेव से कम्बैट करने के लिए, अडेप्टेबल करने के लिए, उस चैलेंज से निबरा आजमा होने के लिए हमने उनको फाल करना शुरू कर दिया है। 96 हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, 2148 बेडेड हैं और वेल वहाँ पर फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह मौजूद हैं। लेकिन खुदा करे कि ऐसी नौबत ना आए, अब तक आइसोलेशन फैसिलिटी में कोई ज़्यादा पेशेंट्स नहीं, अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल वापस ना आए कि हमें इन तमाम जो हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उसको वापस फहाल करना पड़े। इसी तरह वेंटिलेटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हमने फहाल किया है। और आखिर में एक दफ़ा फिर भरपूर गुजारिश कर रहा हूँ, इस्तेदा कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ बलूचिस्तान की आवाम से कि सेकेंड वेव हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दुनिया के जो मायरीन हैं वो कह रहे हैं, और पाकिस्तान में डॉक्टर शाजली साहिबा जो एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो बता रही हैं कि ज़्यादा लिथल भी साबित हो सकता है और टेस्ट के बावजूद भी बहुत कम शरह होगी जो तशखीस का, यानी कोविड आपको हो चुका होगा लेकिन तशखीस प्रॉपर वो फौरी तौर पे नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि नए किस्म के पीसीआर मशीनों की शायद एक ज़रूरत पड़े, और फिर मशीनें नहीं हैं, फिर पूरी दुनिया को नई मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं वो अवेलेबल हैं भी या भी नहीं हैं, मैन्युफैक्चर हुए भी हैं या नहीं भी हुए, तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नहीं नहीं वही है जो हमारे होम मिनिस्टर सॉरी वज़ीर तालीम सरदार यार अरविंद साहब ने जो कहा है वज़राए तालीम के इजलास में, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि हम सूरत हाल को देख रहे हैं। सरदार साहब ने भी यही कहा है कि हम सूरत हाल को देखते हैं कि विंटर जोन में तो नॉर्मली हमारे 15 दिसंबर तक तातीलात होते हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर हम कोई फैसला ले सकते हैं, तो अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं हुआ। अब तो आज मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो पैगाम है, जो अपील है, जो रिक्वेस्ट है वो आप सबके सामने रखने आया हूँ, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि वो एक तल्ख तजर्बा था, हम सब जानते हैं, सब उससे गुजरे हैं, पेशेंट्स की फ्लो, और ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों में जो है सेकेंड वेव में बच्चे से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। पहली वेव में हमारे बच्चे जो है वो बताया जा रहा था वल्नरेबल हैं, लेकिन बाद में डेटा ने ये साबित नहीं किया। बच्चों में जो पॉजिटिविटी रेशो थी वो 6.5% थी, लेकिन जो फैटलिटी रेट है वो ज़ीरो रहा, कोई एक भी बच्चा कोविड से मुतासर होने के बाद वो एक्सपायर नहीं हुआ। तो ये बड़ी एक हौसला अफजा थी हमारे लिए उस मरले में। लेकिन 40% हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 55+, वो जो है अल्लाह को प्यारे हुए थे, वो मुतासर हुए थे 40% हमारे बुज़ुर्ग, और उनमें जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 7% थी, लेकिन शर्मवाद 40% थी। तो इस दफ़ा तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं वो भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं और सब उससे मुतासर हो सकते हैं, इसीलिए हम प्रीएम्प्ट करते हुए जो मीटिंग्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो
इजहार तशवीश है, जो खदशा है, वो अब सबके सामने है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो इजहार तशवीश है, ख़तरा है, खदशा है, कोविड केसेस बढ़ने के बाद जो एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, पर विंटर जोन में तो ज़्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं। वेस्टर्न ममालिक जहाँ सर्दी की लहर आई है, वहाँ पर सेकेंड वेव की भी लहर आ गई है, तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल बन सकती है। अब बिल्कुल बिल्कुल, टेस्टिंग किट्स कम हो गए थे, प्रोक्योरमेंट कम हुई थी, उसकी वजह यह है जब केसेस कम हुए तो हमारा फोकस जो है एल डिपार्टमेंट के दीगर सेक्टर की तरफ चला गया, तो अब वापस हम प्रोक्योर कर रहे हैं और वाफिर मकदार में प्रोक्योर कर रहे हैं। तुर्बत में भी एक नया लेबॉरेटरी हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, अगले ही हफ्ते वहाँ पर भी टेस्ट कंडक्ट करने का सिलसिला जारी होगा, और उसके अलावा नसीराबाद डिवीज़न में भी और रोब डिवीज़न, वहाँ पर भी एक एक हम लेबॉरेटरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखें अभी जो मैंने आपको डेटा शेयर किया है ना, 16,550 जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे तालीमी इदारों में, उसमें 854 यानी 5.1% की शरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें 87 एक्टिव केसेस रह गए हैं, यानी 90% रिकवरी रेट भी है। साथ साथ लोग अगर बच्चे या स्टूडेंट्स जो कोविड से मुतासर हो रहे हैं वापस 90% रिकवर भी हो रहे हैं। इस सूरत हाल को हम देख रहे हैं, जो जो स्टूडेंट्स कोविड से मुतासर हो रहे हैं उनको उनको आइसोलेट कर रहे हैं, जो ही केसेस वापस उनके नेगेटिव आ रहे हैं उनको वापस तालीमी इदारों में वो अपना जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो जारी कर रहे हैं। लेकिन अगर केसेस विंटर की वजह से ज़्यादा मुतासर कुन हुए, ज़्यादा केसेस सामने रुनुमा होने शुरू हुए, तो हमने पहले भी कह दिया है कि हम फिर उस सूरत हाल को देखते हुए स्कूल टू स्कूल भी हो सकता है, सारे स्कूल भी हो सकते हैं, तो उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जो बहुत गंभीर हो, लेकिन कोरोना इज़ अनप्रेडिक्टेबल। पिछले महीने 2.1% थे केसेस, अब पहले 15 दिनों में नवंबर के 6.1% 6.2% तक पहुंच गए हैं, और अगर यही रफ्तार बढ़ता रहा मुमकिन है एंड ऑफ द मंथ ये 10% 15% तक पहुंचे। जुलाई में हमारे केसेस 8% हो गए थे, अगस्त में ये 10% हुए थे, लेकिन सेप्टेम्बर में अचानक केसेज में 3 गुना इजाफा हुआ। यानी कोई उस वक्त हमने 26,500 टेस्ट कंडक्ट किए थे जिनमें 2,715 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे, तो अगले महीने फिर अक्टूबर में हमने 29,000 टेस्ट कंडक्ट किए और उसमें 628 केसेस पॉजिटिव आए। सो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, अगर अचानक इसमें फ्लक्चुएशन भी है, अचानक केसेस बढ़ जाते हैं तो ख़तरा ज़्यादा रूनमा हो सकता है। लेकिन विंटर जोन में जो स्कूल्स हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हीटर्स की जो सहूलत है वो स्टूडेंट्स को फराम किया जाए। पीडीएम के जलसे को मैंने कोविड के केसेस बढ़ने का डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं करार दिया। पीडीएम के जलसे में एसओपीस पे अमल दरामद ना होने को जो है मैंने केसेस में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया, और आपने सब देखा कि उस जलसे में एसओपीस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। अगर एसओपीस पे अमल दरामद होता तो उसके असरात इस तरह सामने नहीं आए। और मैंने सिर्फ जलसे का जिक्र नहीं किया, जो डेटा मैंने शेयर किया डेटा सजेस्ट कर रहे, जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर किया, और साथ मैंने इसको नती किया ईद उल फितर के साथ कि ईद उल फितर से कबल भी 3-4 हफ्ते 700 का एवरेज था केसेस का, ईद उल फितर के बाद जब लोगों ने एसओपीस का अमल दरामद नहीं किया तो 3 गुना इजाफा हुआ, 2,091 केसेस सामने आए, तो 7 या 21 यानी 3 गुना इजाफा, अब भी 3 गुना इजाफा। तो ये एक एवरेज का मैंने जिक्र किया, मुहर्रमुल हराम के दौरान भी यही हुआ था कि जब एसओपीस का अमल दरामद नहीं हुआ तो केसेस में इजाफा हो गया था। अभी जो है इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, अभी जो है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में सीएमआईटी और नैब हुकाम के दरमियान एक एमओयू साइन होने जा रहा है। हमने जब ये तीन माह कबल जब मैंने ये डेटा शेयर किया कि हम सीएमआईटी के इदारे को फहाल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव इदारा बनाएंगे उसे और उसको एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर स्ट्रेंथन करेंगे, और उसमें इंडक्शन जो है जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडक्ट करेंगे ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, तो वो सिलसिला जो है वो जारी है। अब नैब के साथ जो है एमओयू साइन करने जा रहे हैं, वो आप हम आपके साथ डिटेल इंशाल्लाह सारे शेयर कर देंगे। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। और केसेस की जो शरह है उसको हम देख रहे हैं, हम देखें कथन नहीं चाहते कि कोई एक इंडस्ट्री बंद हो, कथन नहीं चाहते। मैरिज हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कल भी ये कहा कि हम नहीं चाहते। पहला भी लॉकडाउन जो है वो कोई हमारा दिल पसंद कोई फैसला नहीं था, बालत मजबूरी करना पड़ा था। अब भी हम ये कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते, लेकिन जो कोविड का फैलाव है
वो सजेस्ट करेगा, वो मजबूर करेगा मुझे, आपको, मीडिया को, पब्लिक को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, तमाम इदारों को, कि उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए, उसकी सदभाव के लिए कुछ किया जाए। और क्या कर सकेंगे आप अगर वैक्सीन उस वक्त तक अवेलेबल नहीं होता? तो एक ही रास्ता है कि आप SOPs पे अमल दरामद करेंगे और समहाव आप लॉकडाउन करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता वेस्टर्न ममालिक के साथ नहीं है, तरक्की याफ्ता दुनिया के पास नहीं है। कर्फ्यू तक इम्पोज कर दिया है पुर्तगाल ने, लॉकडाउन कर रहे हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। तो हमारे पास क्या, कौन सा कोई स्ट्रेटेजी जो है वो बच पाएगा?